नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी ने उसकी सारी पोल खोल दी है। WHO ने कहा है कि पाकिस्तान में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और मई महीने तक 2 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यानी मुल्लाओं के तबेले में खलबली मचने का वक्त आ गया है और इनके तहमदों की तह लगना तय माना जा रहा है। यूं भी मदरसा जमात ऑनलाइन आकर जिस तरह अल्लाह अल्लाह की दुआई कर रही है, इससे इनकी ढुलाई होना निश्चित है। अब रही सही कसर पंजाब प्रांत में डॉक्टर एसोसिएशन यानी YDA ने पूरी कर दी है। एसोसिएशन के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि COVID-19 के खिलाफ वे जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं। कई दिनों से सरकार को यह बात बता रहे हैं कि उनके पास मास्क, ग्लव्स और PPE किट नहीं है, फिर भी सरकार इसका इंतजाम नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में संक्रमितों का आंकड़ा 12,723 पर पहुंच चुका है, जबकि 269 टोपीबाज हुरो के चक्कर में फरार हो गए हैं। पर पाकिस्तानी मुल्ला अभी भी पूरी ले में है। पाकिस्तान के प्रमुख मौलवी तारिक जमील ने नेशनल टेलीविजन पर दावा किया है कि अल्लाह ने बढ़ती नग्नता और अश्लीलता से नाराज होकर यह श्राप दिया है। यानी अल्लाह ने इस मुल्ले को फोन करके या व्हाट्सएप करके यह सूचना भेजी है। वैसे ये वही मुल्ला है जो 2 दिन पहले ही इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ टेलीविजन पर भीख मांग रहा था। इसी ने दुनिया को बताया था कि इस भिखारी मुल्क के पास बुखार तक का इलाज नहीं है, कोरोना से तो अल्लाह ही बचाएगा। पर भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्हीं की बज रही है। मजे की बात यह है कि अब ले देकर पाकिस्तान अल्लाह के भरोसे है, जबकि पाकिस्तान का इमरान लोंडा काफिरों से मिलने वाली भीख के लिए पिछवाड़ा उठाए घूम रहा है। खास बात यह है कि भारत में भगवान के भरोसे कुछ नहीं है। यह बीमारी भगवान ने नहीं बल्कि चाइनीज इंसान ने बनाई है। तारिक जमील को चाइना में जाकर जिनपिंग के सामने पिछवाड़ा उठाना गिराना चाहिए। वहां से इमदाद भी मिलेगी और देर सवेर इलाज भी शायद मिल जाए। अब जरा इस मुल्ला की अल्लाह दुआई भी सुन लेते हैं। कैसे अल्लाह के नाम पर यह मदरसा पैदाइश के तहमदों में पैबंद को लगा रहा है, आइए सुनते हैं मुल्ला तारिक जलील को। इख्तलाफ करो, झगड़े ना करो, इख्तलाफ करो, नफरत ना करो, इख्तलाफ करो, कत्लो गारत के बाजार करो, इख्तलाफ करो, मिंबर में बैठ के गालियां तो ना बको, क्या कर रहे हो या अल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, मैं तमाम ममालिक इस्लाम के लिए और तमाम गैर मुस्लिम ममालिक के अफराद के लिए, अमेरिका, शुमाली वाले, जनूबी वाले, कैरेबियन कंट्रीज वाले, सेंट्रल अमेरिका वाले, दाएं बाएं जजीरों में रहने वाले, यूरोप के वाले, यूरोप के जजीरों में रहने वाले, या अल्लाह एशिया में रहने वाले, एशिया के जजीरों में रहने वाले, या अल्लाह अफ्रीका और अफ्रीका के जजीरों वाले, या अल्लाह ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जजीरों वाले, समंदर में रहने वाले, कश्तियों में रहने वाले, गधों पर चलने वाले, कारवान में जिंदगी गुजारने वाले, या अल्लाह जंगलों में रहने वाले, हर पेशे वाले, हर जुबान वाले के लिए मैं तेरी बारगाह इज्जत में आफियत मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ और अपने देश की पहले मांगता हूँ कि मेरे नबी ने जब मक्का छोड़ा था तो कहा था, ऐ मक्का तू मुझे बहुत प्यारा है, मेरी कौम ना निकालती, मैं तुम्हें छोड़ के कभी ना जाती, ये देश मुझे प्यारा है, मेरी माँ इसी मिट्टी में दफन है, मेरा बाप, मेरे दादा, मेरा पड़दादा, मेरी 20 नफले, 50 यहाँ दफन, मुझे इसकी मिट्टी से प्यार है, मुझे इसको तबाह करने वाले ये अच्छे नहीं लगते, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अपने लालच से तौबा कर, अपनी हरामखोरी से तौबा कर, अपनी स्क्रीन से दुनिया तक किसी का समकर तो फैल मेरी भी बख्शिश कर दी, मेरे घर बार अहले याल की बख्शिश कर दी, क़यामत के दिन से मुझे ये न करा, तू तो रियाकारी के लिए करता था, दफा हो जा, ओए दाड़े हो मेरे अरब, जा भी तक किधे जा भी, सुना भी तक कहीं नहीं सुना भी, मेरे मौला ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما آمین اپنی آمین قدرت سے نجات عطا فرما آمین اللہ اس کو ہٹا دے امر کن کے ساتھ کن اور فیکون کر دے 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 دیکھیں منگتوں کی جماعت کا یہ سب سے کھڑوس پرتینیدھی ہے جب ان کی پھٹکار ہاتھ میں آئی ہے تو یہ امن کی دعائی دے رہے ہیں امریکہ افریقہ یورپ یہاں تک کی ایشیا کو کرونا سے بچانے کے لیے مگرمچھ والے آنسو نکال رہے ہیں جبکہ امریکہ اور بھارت ان کے سب سے بڑے شترو ہیں پر یہ وہ ملا گرگٹ ہیں جو پچھواڑے پر لات پڑتے ہی رنگ بدل دیتے ہیں اب اس ملا کے تبیلے میں جتنے مدرسہ چھاپ بھکاریوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں یہ سبھی ماڈرن اسکول کے پڑھے لکھے ورگ سے آتے ہیں ایسے میں اس گدھیا جماعت پر ترس کم ہنسی زیادہ آتی ہے پر اس بار کوئی اللہ ان کو بچانے نہیں آئے گا بیماری کا علاج چکتسا ہے پر چکتسا کرنے والے لاچار ہیں اللہ نہ بیماری دیتا ہے اور نہ آتنکی پیدا کرتا ہے یہ سب پاکستان جانتا تو آج بھکاریوں کی طرح گڑ گڑا نہیں رہا ہوتا ان لوگوں نے مانوتا کو کشٹ اور پیڑا دی ہے یہ شراب پینے کا پاپ ہے جو آنے والے وقت میں ان کی بڑھیا سے بینڈ بجائے گا اسی کے ساتھ انومتی دوستو جے جوان جے کسان جے ہند وند ماترم